मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के मंत्रिमंडल के पहले विस्तार, विभागों के आवंटन और महाधिवक्ता सहित महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों से नाखुश। राज्य कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वह इस पद पर मात्र 71 दिन रहे। उनके इस फैसले ने राज्य कांग्रेस को फिर से गहरे संकट में डाल दिया है। हालांकि सिद्धू ने कहा है कि वह पार्टी नहीं छोड़ेंगे। चन्नी ने अपने कैबिनेट सहयोगियों को विभाग के आवंटन की घोषणा की और एक घंटे से भी कम समय में सिद्धू ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे पत्र में सिद्धू ने लिखा, एक आदमी के चरित्र का पतन समझौता कर लेने से होता है। मैं पंजाब के भविष्य और पंजाब के कल्याण के एजेंडे से कभी समझौता नहीं कर सकता। पता चला है कि सिद्धू अपनी पसंद के विधायकों को विस्तारित मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने और नए महाधिवक्ता एपीएस देओल की नियुक्ति से नाराज है। जब शियत भाजपा गठबंधन सत्ता में था, उस समय देओल पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमित सिंह सैनी के वकील थे, जिनकी 2015 में दो सिख प्रदर्शनकारियों की हत्या में उनकी कथित भूमिका की जाँच चल रही है। सिद्धू के इस्तीफे पर चुटकी लेने का मौका न चूकते हुए पंजाब के दो बार के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने उनका नाम लिए बिना उन्हें एक अस्थिर व्यक्ति बताया। अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने राष्ट्रीय राजधानी के दो दिवसीय दौरे पर जाने से पहले एक ट्वीट में कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था वह स्थिर व्यक्ति नहीं है और सीमावर्ती राज्य पंजाब के लिए एक योग्य व्यक्ति नहीं है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से अमरिंदर सिंह सार्वजनिक रूप से यह कहकर निशाना साध रहे हैं कि सिद्धू मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ेंगे और देश को ऐसे खतरनाक आदमी से बचाने के लिए वह कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार है। ये थी चंडीगढ़ से एक्सट्रीम न्यूज नेटवर्क की विशेष रिपोर्ट। ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए एक्सट्रीम न्यूज नेटवर्क। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।